एक तो ये आदरणीय अश्विनी जी, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता की तरफ से कितने वर्षों तक पुरानी मांग थी और आजादी के बाद से अभी तक चली आई, वो अगर किसी ने पूरा किया है तो वो मोदी सरकार ने करके दिखाया है और पीलीभीत को मुख्य धारा से जोड़ा है। और आपके कुशल नेतृत्व में रेलवे मंत्रालय द्वारा ये नैरो गेज को ब्रॉड गेज देश के लिए समर्पित किया जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ ये पीलीभीत का रेलवे स्टेशन जो करीब 17 करोड़ की लागत से वर्ल्ड क्लास बनने वाला है, वो भी अश्विनी वैष्णव जी की देन है, जो आज यहाँ पीलीभीत को एक सौगात मिलने वाली है। यहाँ पे हमारे नए प्लेटफॉर्म, एस्केलेटर, ओवरब्रिजेस, फुट ओवरब्रिज, तमाम पार्किंग और ऐसी व्यवस्था होगी। मगर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो आज ट्रेनों का यहाँ संचालन होने वाला है, जो पीलीभीत मैदानी पैसेंजर और मैदानी डालीगंज पैसेंजर तथा लखनऊ मैदानी पैसेंजर, ये तीनों ट्रेनें आज रेल मंत्री द्वारा झंडी देकर यहाँ आज ये ट्रेन रवाना होगी। और ये तो ट्रेलर है, ये झांकी है। अभी आने वाले समय में पीलीभीत को पूरे देश में जोड़ दिया जाएगा, यहाँ से लेके कृष्ण की नगरी मथुरा और यहाँ से लेके राम की नगरी अयोध्या और भोले बाबा की नगरी बनारस, तमाम ऐसी जगहों को पीलीभीत से जोड़ा जाएगा। जो प्रधानमंत्री जी का कहना था कि विकास के साथ विरासत भी और आस्था के साथ अर्थव्यवस्था भी, तो उद्योग पर यहाँ पे पर्यटन, यहाँ के बाग, यहाँ का जंगल, यहाँ का टूरिज्म, यहाँ के उद्योग, उनके लिए भी एक बड़ा द्वार खुलने वाला है। और अगर जोर से ताली नहीं बजाई अश्विनी जी के लिए तो मैं कहूंगा आगे कोई ट्रेन नहीं चलेगी यहाँ। अरे जोर से बजा के दिखाऊंगी, ताली बजाने से भी ट्रेन आती है। जनता अगर नहीं बताएगी तो कोई ट्रेन नहीं आएगी, मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो ये ज्यादा नहीं बोलूंगा, आदरणीय रेल मंत्री जी का समय बहुत कीमती है, क्योंकि मैं जानता हूँ और मैं उनके अभी राजमंत्री के रूप में इलेक्ट्रॉनिक और आईटी का काम भी कर रहा हूँ और इसमें बड़े मंत्रालयों का रेल के साथ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और साथ साथ आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी जिम्मेदारी है। तो साथ ही साथ मैं ये पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं ये भी मांग करूँगा जो हमारे यहाँ के आई है सरदार बलदेव सिंह औलख जी द्वारा कि अमृतसर को भी, गोल्डन टेंपल को भी, स्वर्ण मंदिर को भी पीलीभीत से जोड़ा जाए, ताकि यहाँ के लोगों की आस्था का सम्मान और यहाँ के लोगों का जुड़ाव, जो पीलीभीत वंचित रह गया था इतने वर्षों तक, ना यहाँ कोई हाईवे आता था ना यहाँ बड़ी रेल लाइन आती थी। तो ये आदरणीय रेल मंत्री जी की देन है कि बड़ा ब्रॉड गेज भी आज समर्पित हो रहा है, नई ट्रेनों का संचालन भी हो रहा है और हमारा पीलीभीत जो मुख्य धारा में भारत के जुड़ाव जो छूट गया था वो जोड़ा जा रहा है। और आने वाले समय में ये विकास और रोजगार और उद्योग के द्वार और पर्यटन के द्वार और इस क्षेत्र की जनता को भारत के साथ जोड़ने का काम करेगा। मैं पुनः धन्यवाद दूंगा आदरणीय रेल मंत्री जी आपका कि आपने समय निकाला और हमारे पीढ़ी वासियों के लिए आप खुद उपस्थित होके ये सौगात जो यहाँ के इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी वो आज आप देने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। पूरे हमारे जितने मंच पे हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं और एक एक जनता एक एक कार्यकर्ता पार्टी के जो लगा हुआ था और लोकसभा के चुनाव में यहाँ की जनता का रिकॉर्ड मतों से हमें आशीर्वाद मिला और यहाँ इतनी बड़ी जीत मिली और उसी की कड़ी में मैं कह सकता हूँ कि मोदी सरकार की ये देन है कि पीलीभीत को हर विकास की कड़ी में प्राथमिकता पर रखा जाएगा और जो लोग सौगात होगी वो दिल्ली से दिखाई जाएगी और लखनऊ से संजय जी और पलक जी सुनिश्चित कराएंगे कि यहाँ पे डबल इंजन जो चल रहा है मोदी जी और योगी जी का वो और तेजी से दौड़ेगा और यहाँ पे
रेल तो चलेगी और इंजन भी चलेंगे और विकास को और गति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार आदरणीय रेल मंत्री जी कि आपने समय निकाल के ये बड़ी सौगात इसके लिए जनता को दी है। धन्यवाद।